हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल एंड शॉर्ट वीडियो। एक बस एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो सकती है, खास करके लड़कियों के लिए एंड हर लड़कों के लिए भी जिनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड या घर पे बहन किसी को भी ये प्रॉब्लम होती हो। अगर आप कुछ गिफ्ट करना चाहो तो इसको भी गिफ्ट करो। हमारे पास बहुत तरह के जींसेस होते हैं। हाँ, जीन्स में ना फिटिंग हमेशा सेम नहीं आता है। कभी कभी आप देखना, हम बेल्ट लगाते हैं लेकिन उसके बाद भी जब आप बैठने जाओ तो जींस स्लिप होता है। उस वजह से हम बहुत बार होता है कि शॉर्ट क्यूट टॉप्स देख के भी हमें पसंद आते हैं लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पाते, उसको हम खरीद नहीं पाते, यही सोच के कि मेरे पास तो ऐसा जीन्स है ही नहीं जो मुझे एकदम वैसे फिट होता हो, जो मैं बैठूँ तो मुझे स्लिप भी। तो मुझे भी ये वाला प्रॉब्लम बहुत होता था। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि कौन सा ऐसा बेल्ट है, कौन सी चीज़ से मैं इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ ताकि मैं जितना भी शॉर्ट कपड़ा पहन लूँ, शॉर्ट टॉप पहन लूँ, मैं जैसे भी बैठूँ मेरी जीन्स या फिर बॉटम में मैं जो भी पहनती हूँ वो स्लिप ना हो। ज़्यादा ट्रिक्स भी देखा था तो मुझे ना वो सारे कुछ उतना हेल्पफुल नहीं लगे। वो सारा कपड़ा लेके पैंट को आप ऐसे प्लीट करके उसमें कुछ डाल के उसको हुक करो एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने मिंट्रो में बहुत ज़्यादा सर्च किया एंड मैं बहुत यूट्यूबर्स एंड बहुतों को देखती थी एक बेल्ट वो लोग पहनते थे जो मैं कभी नहीं देखी थी। मुझे लगता था कि ये बेल्ट सबको यूज़ कर रहे हैं, क्या ये हेल्पफुल है, क्या ये मेरे लिए हेल्पफुल है, क्या मेरे जीन्स को होल्ड कर सकता है कि नहीं। तो मैं फिर फिंगर क्रॉस करके उसको ऑर्डर कर दिया एंड वो मेरे पास आ गया। काफ़ी दिन हो गया मैं उसको यूज़ कर रही हूँ एंड बिलीव मी, उसको यूज़ करने के बाद मैं कितना भी शॉर्ट टॉप पहन लूँ वो एकदम स्लिप नहीं होता, इतना अच्छा ग्रिप है। और मैं आपको अब शो करती हूँ वो वाला बेल्ट। इसका बेल्ट ये आपने बहुत जगह देखा होगा, अभी सब पहनते हैं। तो ये इसमें एक चीज़ अच्छा है, इसमें ये इस तरह के नॉट है, जो ये जो एक्सेस वाला जो एक्स्ट्रा बेल्ट होता है ना, ये आपके अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ नहीं रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखने में, मुझे काफ़ी पसंद है। एंड इसको ये आपके मेजरमेंट से भी आता है, वहाँ पर 32-34 इस हिसाब से आपका जो वेस्ट है उससे मैं बोलूँगी, मेरे हिसाब से आपका जो भी वेस्ट साइज़ है उससे आप थोड़ा सा लंबा वाला ही बेल्ट ऑर्डर करो ताकि आपको अच्छे से फिट हो जाए एंड थोड़ा सा एक्सेस रहे, ताकि आप अपने हिसाब से, आपको अगर इसको और टाइट करना हो तो आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेल्ट रहे। तो मैंने 32 ऑर्डर किया था एंड 32 मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव है एंड मैं इसको पूरा यहाँ तक मेरे आ जाता है, उसके बाद भी मतलब जो एक्सेस बहुत ज़्यादा होने से भी ना ये एकदम गंदा नहीं लगता है, इट विल लुक वेरी कूल एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड आप इसमें अगर शॉर्ट टॉप के नीचे भी पहनते हो ना तो ये लोगो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी पसंद है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी। इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल है, मैं भूल गई हूँ प्राइस 200 समथिंग और 300 समथिंग है। उसमें अगर मेरी इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वाइस हुक टाइप का है, ये ऐसे खोल सकते हो आप एंड दिस इज हाउ इट इज़। एंड इसके बाद ये इसको लगाना भी बहुत ईजी है, बस हुक पे आप डाल दो एंड अपने हिसाब से इसको लॉक करो। फिर इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी थिक वाला बेल्ट है एंड ये बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है। ये लोगो भी काफ़ी अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। एंड हाँ, इसको मैं जब से यूज़ कर रही हूँ ना, मैं कोई भी टॉप पहन लूँ, शॉर्ट वॉट कुछ भी, कैसे भी बैठूँ, एकदम स्लिप नहीं होता है, क्योंकि आप इसको अच्छे से ग्रिप कर सकते हो। और जो ऐसे हुक वाला आता है ना, वो आप कितना भी टाइट करो वो धीरे धीरे थोड़ा लूज़ हो जाता है, लेकिन अगर इसको आप लूज़ भी होता है ना, इसमें आपके पास और भी ऑप्शंस है, आप दे सकते हो। इसमें जो एक्सेसिव है ना, ये आपका ज़्यादा बाहर तक नहीं रहता है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ये आपके अंदर ही रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा एंड इट विल लुक वेरी क्लीन। आप जिस भी पैंट के साथ पेयर करते हो इसको, ऊपर से एकदम क्लीन लगता है वो देखने में एंड बहुत अच्छा लगता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। एंड होपफुली मुझे आप बताना, अगर आप इसको यूज़ करते हो मुझे प्लीज़ बताना आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। मेरे लिए तो है एंड ये काफ़ी ज़्यादा जीन्स या कोई भी पैंट जो स्लिप होता है उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा ये जस्टिफाई करता है एंड इसको सॉल्व करता है। सो यार, मुझे यही आपके साथ शेयर करना था। अब मैं अभी बस इसको पहनने ही वाली हूँ तो मैंने सोचा कि आपको दिखा भी देती हूँ। सो दिस इज द लुक, ये काफ़ी ज़्यादा एकदम क्लीन लुक देता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेस है बेल्ट, लेकिन वो अंदर है, बाहर एकदम क्लीन लुक है। एंड अभी आप जीन्स जितना भी इसको खींचो, इट इज़ नॉट गोइंग टू स्लिप, ये एकदम होल्ड करता है।
इट फॉर दिस वीडियो. मुझे लगा ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, सारे गर्ल्स के लिए हेल्पफुल होगी. तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे. ये बहुत ही शॉर्ट एक वीडियो था, मेरे दिमाग में आया तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए. मैं रेडी हो भी रही थी तो मुझे लगा कि मैं शेयर कर देती हूँ इस चीज को. एंड या अब मैं ये पहन के मैं जितना भी नाच कूद लूँ, टॉप चेयर्स में बैठ जाऊँ, कैसे भी बैठू, स्कूटी में बैठू, टॉप मेरा चाहे कितना. आज तो मैंने उतना शॉर्ट टॉप पहना नहीं है लेकिन मैं जब भी पहनती हूँ मैं इसी बेल्ट को यूज़ करती हूँ. एंड ये काफ़ी कंफर्टेबल है. ऐसा नहीं होता कि बेल्ट ऊपर रह गया, पैंट नीचे हो गया. ऐसा भी होता है ना कभी कभी, आप देखना जो जीन्स में होता है ना बेल्ट हैंग करने का जो हुक टाइप का, कभी कभी आप देखना जीन्स का जो बेल्ट होता है वो ऊपर हो जाता है एंड जीन्स नीचे हो जाता है. तो ये सब भी होने की कोई चांस नहीं है क्योंकि ये एकदम अच्छे से ग्रैप कर लेते हैं आपके पैंट को वेस्ट के साथ. सो या चलिए मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो देखते रहे मेरे एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे. बाय. अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए एंड क्या क्या शॉप करती हूँ वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं अनबॉक्स करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बाय.